एक वीडियो जो मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रहा था मगर बना नहीं पा रहा था किसी रीजंस के चलते, मगर मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए कि इसके ऊपर वीडियो हमें बनानी चाहिए। चलिए दरअसल तो यही वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे दुनिया से गए वैसे ही हमें एकदम झटका लगा और अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा यार कि सिद्धार्थ शुक्ला चले गए। ऐसा लग रहा है कि हमारा सिद्धार्थ अभी है और सिद्धार्थ का लेटेस्ट ट्वीट आने वाला है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हूँ। नोटिफिकेशन कब आएगा उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सिद्धार्थ हमारे लिए क्या ट्वीट करेगा। सिद्धार्थ चले गए हमें यकीनन इस बात का यकीन नहीं है, मगर फिर भी दिल को मनाना पड़ रहा है कि सिद्धार्थ हमारे दिल में ज़िंदा है मगर अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। कोई टेंशन नहीं है, हमारे एडिटर काफ़ी बड़े कमाल के हैं, वो एडिट कर करके अपना वैसे ही काम चला लेंगे, क्योंकि भाई देखो अभी तो फ़िलहाल यही सब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिद्धार्थ शुक्ला के लिए दुआएं करनी है, प्रे करनी है। अच्छा जी, जितने भी सारे फैंस हैं वो अब धीरे धीरे करके रिकवर करना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि जितने भी सब कल तक मायूस थे, हालांकि हमारे दिल अभी भी मायूस हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मनाने की कि कैसे भी करके रिकवर कर सकें। इस बीच जितने भी सब सेलिब्रिटी हैं, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जितने भी सब सेलिब्रिटीज़ आए थे, टीवी स्टार्स आए थे, जो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रो रो कर दिखा रहे थे, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ये कह रहे थे कि वाकई में काफ़ी गहरा सदमा लगा है, वाकई में दिल को चोट लगी है, हमने नहीं सोचा था, हमने सिद्धार्थ शुक्ला से बात करने की आखिरी उम्मीद लगाई हुई थी, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हमें वर्कआउट करना था, सिद्धार्थ के साथ ये करना था, तमाम उन्होंने सेलिब्रिटीज़ ने दुनिया भर की बातें लाकर भड़ास निकालकर सब अपने सोशल मीडिया पर फैंस के सामने पेश कर दी। यार सिंपैथी गेन के लिए है या फिर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ सेलिब्रिटी मेरी नज़र में अभी तक पूरे कुल मिलाकर दोगले निकले हैं दोस्तों, और दोगले निकलने का रीज़न सिर्फ यही है कि कल तक तुम सिद्धार्थ कह रहे थे और आज नहीं यार, सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ है उसके अगले दिन ही रील्स वगैरह बनानी, नाच गाने शुरू कर दिए। शर्म करनी चाहिए तुम्हारे को सब सेलिब्रिटीज़ों कि तुम कौन से कसम के लोग हो, तुम्हारा दिल क्या है समझ नहीं आता। देखो एक होता है सिद्धार्थ के जाने पर रिएक्शन ना करना, सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह गया, आप रिएक्शन ना करो, आप रो नहीं धो नहीं सोशल मीडिया पर कुछ मत दिखाओ, अपना जो कार्यक्रम मुजरा कर रहे हो करते रहो। तो यहाँ बात समझ में आती है कि हाँ हमारे सामने आया ही नहीं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के गम में शामिल नहीं था, जाहिर सी बात है ये तो मुजरा कर रहा है करने दो। मगर सिद्धार्थ शुक्ला के गम में शामिल होने के बाद भी कुछ सेलिब्रिटीज़ अपने रील्स वगैरह बना रहा है, अपना मुजरा कर रहा है, एक टिकटॉक मुजरा स्टार ख़त्म हुआ तो दूसरा मुजरा जो है वो रील्स बना कर कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कैसा लगा ज़रा बताओ ये हमारा पिक्चर, हमें मॉर्निंग वाइब्स आ रही हैं। कौन सी वाइब्स आ रही हैं, कैसी वाइब्स आ रही हैं, मॉर्निंग वाइब्स तो रोज़ आती हैं। तो कुल मिलाकर ये है जितने भी सारे सेलेब्स हैं ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये सारे एक नंबर के दोगले हैं, दोगले, कोई भी एक मुंह बात नहीं करता, सब अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखेंगे और फिर कहेंगे हाँ सिद्धार्थ तो गया, भाई जिसको जाना होता है चला जाता है, वो बात ठीक है, जाना होता है चला जाता है, अगर तुम्हारे दिल सच्चे हैं तो तुम इस तरह से रिएक्शन नहीं करोगे। हद दो के रह गए भाई, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, मैं यही सब कहना चाहूँगा एक लास्ट बात कि ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादातर अंधविश्वास ना करें, जिसको आप दिल से फॉलो करते हैं वही लोग ऐसे हैं जिनको अपने बारे में नहीं पता, बस उनको यही सब पता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं, उनको किसी भी दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। हम कहते हैं ओ ठीक है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, भाई क्या बात, हमने जिसको फॉलो किया था वो सिद्धार्थ जैसी शख्सियत सिद्धार्थ ही थी जो अपने साथ साथ अपने फैंस का ग्रुप भी पूरा बनाकर लेकर चलता था, एक्यूरेटली सिखाता था। सिद्धार्थ जैसा हर कोई नहीं होता यार, और इंडस्ट्री में सिद्धार्थ जैसा कोई मिलेगा भी नहीं यार, सिद्धार्थ सिद्धार्थ है भाई, सिद्धार्थ को कॉपी ज़रूर लोग कर सकते हैं मगर सिद्धार्थ जैसा कोई नहीं बन सकता, ये बात पत्थर की लकीर। और ये साले जितने भी सब सेलिब्रिटीज़ हैं, भाई नाम किसी का नहीं लिया है, जितने भी सब सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में मजाक उड़ाने वाले हैं, जो एक नंबर के दोगले हैं, सिर्फ अपनी सिंपैथी गेन के लिए आगे आए थे और फिर पीछे हट गए, बात ख़त्म, दैट्स इट।